गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड आवर हेरिटेज एंड पार्ट फिफ्थ एंड दीज आर टूडेज वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट हेरिटेज, एच ई आर आई टी ए जी ई. क्या है एच ई आर आई टी ए जी ई? हेरिटेज मीन्स होती है विरासत. नेक्स्ट है मेटेरियल हेरिटेज, एम ए टी ई आर आई ए एल एच ई आर आई टी ए जी ई. मेटेरियल हेरिटेज मीन्स होती है भौतिक विरासत. ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटेरियल हेरिटेज, एन ओ एन एम ए टी ई आर आई ए एल एच ई आर आई टी ए जी. नॉन मेटेरियल हेरिटेज मीन्स होती है गैर भौतिक विरासत, जो भौतिक से अलग होगा. नेक्स्ट इंक्लूड, आई एन सी एल यू डी ई, इंक्लूड करना, शामिल करना. ओके, मेडिसन, एम ई डी आई सी आई एन ई. मेडिसन मीन्स होती है दवा. एग्जाम्पल ई एक्स ए एम पी एल ई. एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण. सिस्टम, एस वाई एस टी ई एम. सिस्टम मीन्स प्रणाली. नेक्स्ट है पिक, पी आई सी के. पिक मीन्स होता है चुनना. एल्डर, ई एल डी ई आर. एल्डर मीन्स बड़ा. जनरेशन, जी ई एन ई आर ए टी आई ओ एन. जनरेशन मीन्स पीढ़ी. देखिए, कई वर्ड्स हो सकता है कि अगेन रिपीट हो रहे होंगे, तो यू डोंट वरी, आप उसको बस लर्न करने पे फोकस करना है आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न होनी चाहिए. ओके ओके, नेक्स्ट. ओके, हेरिटेज. हेरिटेज इज, हेरिटेज मीन्स क्या होता है, विरासत. तो हेरिटेज इज एनीथिंग डैट हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस. हेरिटेज मीन्स विरासत इज एनीथिंग, मतलब जो विरासत है जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे डैट हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस. मतलब जो भी हमारे पास जो आई है, स्थितियाँ आया, चीज़ें आई है, वस्तुएँ आई है, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, हु लिव्ड बिफोर अस, जो कि पहले थे, जो हु लिव्ड बिफोर अस, जो हमसे पहले रहते थे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज, मेटेरियल हेरिटेज एंड नॉन मेटेरियल हेरिटेज. अब देखिए, टू टाइप की विरासत होती है, मेटेरियल भी होती है जिसे भौतिक विरासत कहा जाता है, एंड नॉन मेटेरियल हेरिटेज होती है गैर भौतिक विरासत होती है. देखिए, हेरिटेज हमें कहाँ से मिली है, कहाँ ना, पूर्वजों से मिली है, फोर फादर से मिली है. ये हमारे पास कैसे आई, हम जो लोग पहले रहते थे हमने उनसे प्राप्त की है, और ये सभी को आगे बढ़ती चली जाती है. तो ये कितने टाइप की होती है, मेटेरियल हेरिटेज होती है, एक नॉन मेटेरियल हेरिटेज होती है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेटेरियल हेरिटेज. इज समथिंग डेट वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन द पास्ट एंड विच कैन नाउ बी टच्ड. देखिए, मेटेरियल हेरिटेज, भौतिक विरासत क्या होती है, ऐसी होती है जो फिजिकली प्रेजेंट है. फिजिकली मीन्स होती है शारीरिक रूप से तो प्रेजेंट है. इन द पास्ट यानी पास्ट में थी वो, लेकिन विच कैन नाउ बी टच्ड, लेकिन जिसे अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग्स. अब देखिए, बहुत सारी पहले की बिल्डिंग्स होती है, तो उनको हम क्या कि हम उनके पास्ट को जानते हैं कि पहले थी कितनी अच्छी थी, तो बिल्डिंग्स देखते हैं. प्लेसेस ऑफ वॉरशिप, हम पूजा के स्थानों को देखते हैं, फोर्ट्स को देखते हैं, किलों को, क्राफ्ट आइटम्स, शिल्प के जो आइटम होते हैं उन्हें देखते हैं, स्टेचूज़ देखते हैं. स्टेचूज़ मीन्स होते हैं मूर्तियाँ, उनको देखते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं, एंड बुक्स को भी देखते हैं. डेट हैव बीन पास्ड डाउन टू अस फ्रॉम आवर फोर फादर्स आर ए पार्ट ऑफ आवर मेटेरियल हेरिटेज. देखिए, वो गुजर चुकी है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, पास्ट हो गई है ना, गुजर चुकी है. लेकिन से कहाँ से, हमारे फोर फादर से हमारे पास आई है. आर ए पार्ट ऑफ आवर मेटेरियल हेरिटेज, जो कि एक किसका हिस्सा बनती हुई, हमारे भौतिक विरासत का हिस्सा बनती हुई आई. देखिए, हम बात करें रामायण, हम देखते हैं तो रामायण हम जो मेटेरियल हेरिटेज है,
तो वो बुक है, लेकिन हम उसको क्या होता है कि अभी देखते हैं सुनते हैं ओनली, लेकिन वो पहले हुई थी ना तो वो पास्ट हो चुकी है। तो इसी तरह पेंटिंग्स होती है, बहुत सारे पुराने टाइप की पेंटिंग्स हम देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आती है। पुरानी स्टेचूज होते हैं, जैसे आपको कई मूर्तियाँ नज़र आती है किसी, जैसे किंग की नज़र आ रही है, ये सब पहले थी लेकिन हम उनको देख सकते हैं। फोर्ट्स को देखते हैं, किलों को देखते हैं, कभी आप घूमने जाते हो तो आप कितने अप्रिशिएट करते हो उनके, अरे वाह ऐसे किले थे, ऐसे लोग रहते थे, तो हम उनको देखते हैं। तो मटेरियल हेरिटेज होती है, भौतिक, हमारी भौतिक विरासत है। पुरानी हमारे की जैसे मंदिर है, टेम्पल्स हैं, तो वो भी हम देखते करते हैं। तो ये अभी नहीं, एट प्रेजेंट में नहीं तैयार हुए थे, वो पहले निर्माण तो हमारे फोर फादर से हमारे पास में आए, हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन मटेरियल हेरिटेज, इंक्लूड्स आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर डेट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारे गैर भौतिक जो विरासत होती है, इंक्लूड्स होती है, उसमें शामिल होते हैं अवर ट्रेडिशंस होती है, हमारी परंपराएं होती है, एंड कल्चर होती है, हमारी संस्कृति होती है, डेट आर पास्ड ऑन फ्रॉम, जो कहाँ से गुजरती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गुजरती रहती है, ठीक है, एक से दूसरे जनरेशन में जाती रहती है। दिस ट्रेडिशंस एंड कल्चर कैन बी फेल्ट बट नॉट टच्ड। अब ये जो ट्रेडिशंस होती है, परंपराएं होती है, कल्चर होती है, संस्कृत, उसको हम महसूस करते हैं लेकिन उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, छू सकते हैं क्या? अब देखिए, ट्रेडिशन होती है, परंपराएं होती है, आप कहते हो हमारे घर पे ऐसा होता है, हमारी दादी जी ऐसा करती है, हमारी मम्मा ऐसे करती है, जनरली आप लोग कहते हैं ना, और आप कभी शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, नहीं भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे तो ऐसा होता है, तो वो क्या है, हमारी कल्चर है, हमारा हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते कि हमें ऐसे करना है, जैसे हमें सुबह मॉर्निंग में उठ के हमें ऐसा करना है, हमें डेली वर्क करना है, तो जो सुबह करते तो वो सब हमारे क्या है कि ट्रेडिशनल रूप से हमारे पास में चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द आर्ट ऑफ पपेट्री पिक्ड अप पिक्ड अप बाय ए पपेट्रियर फ्रॉम हिज फोर फादर्स एंड क्राफ्ट्स लाइक पुलकारी, एम्ब्रॉयडरी and folk songs that women of Preeti's family learned from their elders are a part of our non-material heritage. For example, उदाहरण के लिए the art of puppetry picked up, जो हमने अभी बात की थी कठपुतली वाली, जो puppetry यानी कठपुतली की कला है, वो picked up किया यानी वो किसके द्वारा चुनी गई थी, puppetries के द्वारा चुनी गई थी, यानी जो कठपुतली संचालक होता है उसके द्वारा की जाती है, लेकिन वो उसने किससे पिकअप किया, इसे किससे चुनना, इसे लिया है अपने फोर फादर से लिया, अपने पूर्वजों से लिया है। एंड क्राफ्ट्स, और जो क्राफ्ट होते हैं, शिल्प होते हैं, लाइक जैसे कि फुलकारी होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है ना कढ़ाई, एंड फोक सॉन्ग, और जो लोक संगीत होता है, गीत होते हैं, डेट वीमन और प्रीतिस फैमिली, जो कि औरतें, जो प्रीति की फैमिली थी, उन्होंने सीखा, कहाँ से सीखा, यानी कि कोई बुक में था या उसको रोज हम अपन जैसे लर्न करते हैं तो वैसे लर्न किया, नहीं उन्होंने ऐसा लर्न नहीं किया, उन्होंने डेली उसको हैबिचुअल होते गए और वो उनके उसके अंदर आती गई, और मतलब उन्होंने उसको अच्छे ढंग से याद कर लिया। फ्रॉम हिज एल्डर्स, कहाँ से सीखा उन्होंने, अपने बड़ों से सीखा। आर ए पार्ट ऑफ आवर नॉन मटेरियल हेरिटेज, और यही हमारा गैर भौतिक विरासत का हिस्सा है। डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग, हमारे अलग अलग तरीके होते हैं कुकिंग के, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, और हमारी ड्रेसिंग यानी जो भी कपड़े वपड़े हम पहनते हैं उसकी स्टाइल होती है। ओरल स्टोरीज होती है, जैसे होती है ना ओरल स्टोरीज, जैसे कहानियाँ बोलते हैं, आप सुनते हैं अपने दादाजी के पास या दादी जी के पास कोई कहानियाँ सुनी है आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं उनके पास में, तो वो ओरल स्टोरीज होती है। ऐसे हम आजकल बस मूवीज में वॉच करते हैं या टीवी में देखते रहते हैं कुछ भी, तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से देखते हैं, लेकिन उनके पास जो ओरल स्टोरीज होती है, जो बोल के उनको सुनाते हैं, डांस होता है, ड्रामा होते हैं, म्यूजिक, साइंस एंड सिस्टम ऑफ मेडिसन डैट हैव बीन पास डाउन टू अस फ्रॉम आवर फोर फादर्स आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ आवर नॉन मटेरियल हेरिटेज। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डांस भी होता है, ड्रामा होता है, म्यूजिक होता है, और विज्ञान भी होता है, और जैसे सिस्टम ऑफ मेडिसन, जो तरीके होते हैं दवाइयों के, वो
वो सब भी हमारे पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो किससे पहुंचे हमारे पास में? हमारे पूर्वजों के पास से पहुंचे। पूर्वजों ने तो हमें दिया है। आर सम अदर एग्जाम्पल या कुछ और भी उदाहरण हैं जो हमारे नॉन मेटेरियल हेरिटेज के उदाहरण बने हुए हैं। ओके, तो देखिए नॉन मेटेरियल हेरिटेज की यही उदाहरण है हमारे पास में, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उनसे सीखते हैं। जैसे ये है कि जैसे आपके घरों पे, जैसे अपने यहाँ पे होता है कि कभी वेडिंग का ओकेज़न होता है तो दादी जी मम्मी जी कितने गीत गाती हैं, गाने गाती हैं कि नहीं गाती, लेकिन वो कोई गाने उन्होंने कोई सीखे नहीं है, उनको आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा, या उनकी मम्मी जब गाती थी तो उन्होंने एक दूसरे से इस तरह से ट्रांसफ़र होते चले गए और वो सीखते चले गए। तो हम लोग सब इसी तरह से सीखते हैं। तो जो नॉन मेटेरियल हेरिटेज होती है उसको हम लोग ऐसे नहीं है, हम फोर फादर से उसको कैप्चर करते लेते हैं या ऐसे करते नहीं, हम उनको बस ओनली फॉलो करते हैं, उनको सीखते हैं इस तरीके से। तो अंडरस्टैंड, तो मैटेरियल हेरिटेज में क्या होती है? हमारे ऐसी जगह होती जो होती है फिजिकली प्रेजेंट होती है, यानी जो पास्ट में थी प्रेजेंट थी, लेकिन जिसे हम अब छू सकते हैं, केवल छू सकते हैं ना। अब देखो मंदिरों में भी जाते हैं हम लोग, या कभी फोर्ट्स में हम घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम देखते करते हैं, तो वो पहले थे। जैसे ताजमहल, मोन्यूमेंट्स है ताजमहल, तो ताजमहल भी उस समय बना था, बहुत पहले बना था, लेकिन आज उसको हम देख के अप्रिशिएट करते हैं ना कि देखो वाव कितना सुंदर है। तो इस तरह से वो है, बना हुआ है, तो बहुत पहले का। तो मैटेरियल हेरिटेज जो कि प्रेजेंट है, दिखाई देता है हमें फिजिकली रूप से, वो मैटेरियल होता है। और नॉन मैटेरियल हेरिटेज क्या होता है? जो गैर भौतिक विरासत कौन सी होती है? जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, किसी के जरिए, बुक्स के जरिए, किसी के जरिए हम उसको देखते हैं तो उनको फील कर सकते हैं। या और पपेट्री, जैसे एक ही कठपुतली वाला था, कढ़ाई वाले जो कार्यक्रम थे वो पहले होते थे, तो उनको हमने अपने आपस में देख देख के हमने सीखा है उसको। ओके, तो ये चीज़ें आपको इस तरह से समझना है। तो आज आपके लिए यही होगा कि आप इनको रीड करेंगे इसको अगेन एंड अगेन, और इन सब के जो भी जितने वर्ड मीनिंग्स हैं या एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को वॉच करते हुए उनको जरूर, मतलब रीडिंग स्किल्स को जरूर इम्प्रूव करते रहेंगे अपने, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास वर्क नहीं है, आज का वर्क यही रहेगा कि आप अपनी इसको रीडिंग को करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।